हेलो गाइज, वेलकम बैक माई चैनल भरती विचार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट का अपनी गैप अप हो तो क्या करें, गैप डाउन हो तो क्या करें, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेंगे, सारे टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर मंथली कैंडल पर देखें, मंथली कैंडल का क्लोजिंग हो चुका है। मंथली कैंडल पर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट क्लोज कर चुका है। हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन किया था पिछले मंथ में, यहाँ पर अक्टूबर में सेलिंग आएगा, नवंबर में रिकवरी किया और रिकवरी के ऊपर यहाँ पर पूरा क्लोज कर चुका है, इनगल्फिंग कैंडल बना चुका है। एक तरीके से ये हिडन कैंडल बना हुआ है और इस तरीके से दो कैंडल का मर्ज है और ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बन चुका है। पहले सेलिंग आया और इसमें बाइंग आया, क्लोजिंग यहाँ पर लगभग जिस पॉइंट से सेलिंग आया था उसी के आसपास में क्लोजिंग हुआ है। तो ये जो कैंडल बना इस तरीके से इसका कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, कुछ बॉडी बना होगा या तो फिर इस तरीके से बन गया होगा या फिर थोड़ा बहुत बॉडी भी बना होगा, तो पूरा का पूरा इसको कवर कर गया। तो इस तरीके से एक बुलिश कैंडल का साइन दे दिया, दो कैंडल का मर्ज है, एक हिडन कैंडल यहाँ पर बना चुका है तो इसमें बुलिश साइन दे रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये इसके ऊपर भी निकलना स्टार्ट कर चुका है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट अभी पॉजिटिव ही है। ये ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट लेवल को ही इसने सपोर्ट बनाया और सपोर्ट के ऊपर ये ट्रेड सपोर्ट लिया और इसके ऊपर ये ऊपर की तरफ सस्टेन करने लगा। तो कहीं ना कहीं ये अभी बुलिश ही है, बीरिश नहीं हुआ है। जब तक कि ये 40,000 के नीचे कम्प्लीटली ट्रेड करना ना स्टार्ट कर दे तब तक हम यहाँ पर इसको बीरिश कंसाइडर नहीं कर सकते। एक बड़े ट्रेंड का एक छोटा सा करेक्शन है, मंथली चार्ट फ्रेम पर देखेंगे तो एक बड़ा ट्रेंड किया, इसके बाद एक छोटा सा करेक्शन आया, अगेन इसमें बाइंग हैपनिंग हो रही है। अभी हम लोग वीकली चार्ट फ्रेम पर देखेंगे तो यहाँ पर हम देख पाएंगे, वीकली चार्ट फ्रेम पर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर बैंक निफ्टी ने यहाँ एम पैटर्न क्रिएट किया और ये डाउन साइड मूव किया। ये इसके लिए रेजिस्टेंस था, यहाँ से प्राइस का रिजेक्शन भी दिया बट ये लोअर लोअर फॉर्मेशन नहीं बना, अपर साइड में जा रहा है। अभी इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, 46,250 का स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और डाउन साइड में इसका जो सपोर्ट बन चुका है 43,400 का ये स्ट्रांग सपोर्ट बन चुका है। यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, इसके नीचे सस्टेन करना चाहिए था, लोअर लो फॉर्मेशन बनाना चाहिए था बट किया नहीं। इस वीक में अचानक से यहाँ पर बाइंग हैपनिंग हुआ। यहाँ पर देखेंगे तो वीकली चार्ट फ्रेम में एक यहाँ पर हैमर कैंडल बना है, ये देखेंगे तो एक कैंडल बना है जो हैमर कैंडल बना है, अपर साइड में निकल गया। एक फॉर्मेशन देखेंगे तो हायर हाई बनता हुआ दिख रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें बाइंग आ रही है और ये अगेन इस रेजिस्टेंस लेवल को टच करने जा सकता है, 46,200-250 का लेवल टच करने जा सकता है। अभी इसने जो हाई लगाया 45,000 का हाई लगा चुका है, तो 1,000 से 1,200 पॉइंट का और अपर साइड में स्पेस है। यहाँ पर इस वीक में बहुत ही शानदार मूव किया, 2 से 3 वीक ये रेंज में ही ट्रेड रहा था, वोलेटिलिटी ट्रेंड किया, यहाँ पर ट्रेंडिंग हुआ, फिर यहाँ पर भी ट्रेंड हुआ, ये 3 वीक में वोलेटिलिटी क्रिएट किया और इस वीक में ट्रेंडिंग किया। अभी फिर से हमें एक वोलेटिलिटी मार्केट देखने के लिए मिलेगा वीकली बेसिस पर। अभी डेली बेसिस पर यहाँ पर देखें, वीकली में भी ये कहीं ना कहीं बुलिश ही है और यहाँ पर देखें डेली कैंडल में तो ये ब्रेकआउट लेवल था, ये इसके लिए रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और इसको सपोर्ट बना, यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक किया, अगेन मार्केट इसको हिट गया। तो मैं यहाँ पर बता भी रही थी कि यहाँ से इसको लोअर लो फॉर्मेशन बनना चाहिए लेकिन ये बनाया नहीं और ये अपर साइड में निकल चुका। अभी इसका जो प्रीवियस स्विंग था 45,000 के, ये प्रीवियस स्विंग है 44,900 से 45,000, ये इसके लिए रेजिस्टेंस बनने वाला है। अभी यहाँ पर देखेंगे डेली कैंडल में भी देखेंगे तो यहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बुलिश में जा सकती है। 45,000 का स्ट्रांग यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, अगर इस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन बना करके ब्रेक करती है तो अगेन ये 46,000 का लेवल ब्रेक, 46,000 के लेवल के पास में जा सकता है और यहाँ पर मल्टीपल टाइम हिट कर चुका है, फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड टाइम्स जाएगा तो मे भी 46,250 का लेवल ब्रेक कर सकती है। अगर 45,000 के ऊपर सस्टेन किया तो चांसेज हाई है कि 46,250 का लेवल ब्रेक हो सकती है, 1,000 से 1,200 पॉइंट का स्पेस बच रहा है। इस मंथ में करे या फिर एक दो मंथली कैंडल में थोड़ा सा मार्केट रेंज में ट्रेड करे या वोलेटिलिटी क्रिएट करे, इसके बाद ही ब्रेक कर सकती है। तो ब्रेकआउट 46,250 का ब्रेकआउट तभी होगा जब इसके ऊपर 45,000 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, तो मे भी 46,250 का लेवल ब्रेक कर सकती है और निफ्टी 50 की जैसा बैंक निफ्टी भी एक नया हाई क्रिएट कर सकता है। अभी हम लोग 15 मिनट कैंडल में देखेंगे तो कल हमें कहां
कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए मंडे के सेशन में, चार तरीकों हमें कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। जितने लोगों ने मेरा यहाँ पर फ्राइडे का एनालिसिस वीडियो देखा होगा, हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर डिस्कशन किया था। यहाँ पर मार्केट एक रेंज में ट्रेड किया, मॉर्निंग में ही जो निकलना था निकल चुका, हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्रॉफिट बुकिंग आएगा, आया फिर रेंज में ट्रेड किया। इसके बाद अगर यहाँ पर 500 के ऊपर सस्टेन करती है, 44,500 के ऊपर अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाती है तो फिर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 5 मिनट में भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया, 15 मिनट में भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया और हाई जो लगाया है 44,950 का हाई लगा, तो 450 पॉइंट का मोमेंटम ये भी कर गया। यहाँ पर देखेंगे तो 5 मिनट में भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया और यहाँ पर धड़ाधड़ अपर साइड में निकल गया। इस दिन भी फ्राइडे के सेशन में भी मॉर्निंग में ही जो मूव करना था किया और यहाँ पर थर्सडे के दिन में भी जो मूवमेंटम करना था मॉर्निंग में ही किया। यहाँ भी फ्राइडे के दिन में 9:50-10 बजे तक इसकी मोमेंटम हो गई थी, फिर इसके बाद ये कम्प्लीटली साइडवेज हो गया 950 से लेकर के इस 800 के रेंज में, 100 पॉइंट के रेंज में पूरा डे टाइम स्पेंड कर दिया 10 से लेकर के 3:30 बजे तक, 10 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक ये एक ही रेंज में ट्रेड किया, 100 पॉइंट के रेंज में ये ट्रेड किया। अभी यहाँ पर चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर एक हमें पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, ये पोल बना यहाँ पर फ्लैग बना, इसको रेक्टेंगल पैटर्न भी बोल सकते कि एक चैनल यहाँ पर भी क्रिएट कर दिया है, 100 पॉइंट का रेंज भी क्रिएट किया हुआ और ये पोल एंड फ्लैग बटन भी अगर क्रिएट किया हुआ। अगर मार्केट को अपर साइड में मूव करना है तो अपर साइड का ये रेंज ब्रेक करेगा, अगर इसे अपर साइड में मोमेंटम करनी है तो ये अपर साइड के रेंज ब्रेक करेगा, 45,000 का लेवल ब्रेक करेगा। अभी 45,000 हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो हम लोग यहाँ पर 950 को नहीं 45,000 को लेकर के चलेंगे। 45,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करके ब्रेकआउट देती है तो फिर यहाँ पर एक बड़ा टारगेट होगा, यहाँ से ये जो जितना ये पोल बना हुआ है उतना बड़ा टारगेट, तो ये जो पोल बना है 400 के पास से इसका पोल बनना स्टार्ट किया है, हाई लगा है 950 का, तो लगभग 500 पॉइंट का पोल बना हुआ है, तो 500 पॉइंट हम लोग अपर साइड में टारगेट प्लान कर सकते हैं, मोमेंटम कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक रेंज भी बना हुआ है, अगर इसको डाउन साइड में मूव करनी है तो अगर ये डाउन साइड में ए लेवल ब्रेकडाउन करती है 44,750 का रेंज में भी यहाँ पर फ्लैट ओपन हो और 44,750 के नीचे रेड कैंडल क्लोज करती है तो अगेन ये सीलिंग में चला जाएगा और टारगेट 44,400 से लेकर के 500 यहाँ पर हमारा टारगेट होना चाहिए, तो 300-350 पॉइंट का इजिली टारगेट डाउन साइड में मिल सकती है, अपर साइड में 400-500 पॉइंट का टारगेट मिल सकती है। अगर अपर का रेंज ब्रेक किया तो बाइंग करेंगे, डाउन का रेंज ब्रेक किया तो हम लोग सेल कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें प्राइस पैटर्न के लिए वेट करना है, एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल बनने देना है, इसके बाद ही हमें ट्रेड के लिए प्लान करना है। चलिए अभी हम लोग निफ्टी 50 को देखते हैं, निफ्टी 50 को भी मंथली कैंडल में देखें तो यहाँ पे लगातार ब्रेक करते जा रहा है, अपने लेवल को ब्रेक किया, हम लोगों ने यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही जबरदस्त दिया लेकिन ये ब्रेकआउट लेवल को सस्टेन बनाया, ये एक बड़ा ट्रेंड का छोटा सा करेक्शन था, अगेन ये बड़ा ट्रेंड कर सकती है। जो यहाँ पर 20,250 का हाई बनाया था उस लेवल को भी ऊपर निकल चुका है, ये अपर ही जाएगा, ये डाउन साइड नहीं आने वाला, ये ऊपर साइड ही निकलते जाएगा और एक अच्छा बुलिश यहाँ पर साइन दे चुका है। जितना भी ये 4 से 5 मंथ का यहाँ पर देखेंगे तो 4 मंथ का हाई इस मंथ में ब्रेक कर चुका है, नवंबर का जो मंथ का कैंडल बना है वो कैंडल ये 4 मंथ के हाई के ऊपर जाकर के क्लोज कर चुका है, पूरा एनगल्फिंग कैंडल बना चुका है निफ्टी 50 में, तो कहीं ना कहीं ये बुलिश है, बहुत ही शानदार का अपर साइड में मूव कर सकती है। और अभी बैंक निफ्टी भी निफ्टी का साथ दे रही है, इस पॉइंट पर निफ्टी 50 का साथ बैंक निफ्टी नहीं दे रही थी, जब इस पॉइंट पर 20,000 का लेवल इस मंथ में 20,000 का लेवल निफ्टी ने ब्रेक किया था तब बैंक निफ्टी ने निफ्टी 50 का साथ नहीं दिया था, लेकिन इस मंथ में निफ्टी 50 का साथ बैंक निफ्टी भी दे रही है, तो निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों में बहुत ही शानदार का अपर शेयर मोमेंटम मिलने वाला है। अभी भी बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है, 46,250 का ब्रेक नहीं किया है, बट निफ्टी 50 ने नया हाई बनाया था 20,000 के ऊपर, जो 250 का 20,250 का हाई बनाया था उसको भी ब्रेक कर चुका है, तो अभी ये स्ट्रांग बुलिश है। वीकली चार्ट फ्रेम में देखेंगे तो वीकली चार्ट फ्रेम में भी ये बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ था, हम लोगों को लग रहा था कि ये थोड़ा सा सेलिंग में जा सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट था 18,650-18,670 का लेवल ब्रेकडाउन होना चाहिए था, इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर साइड बनाया इसको ब्रेक करना चाहिए था लेकिन ये धड़ाधड़ ऊपर निकल गया और ऊपर ही निकलते गया। अभी यहाँ पे देखेंगे तो 5 वीक से ग्रीन कैंडल ही बनाते जा रहा है,
तो मे भी इस वीक में बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर पॉज ले सकती है, एक रेड कैंडल बनाएगा तो फिर ये नेक्स्ट वीक में एक बड़ा मूव करेगा तो हम लोग के पास एक परफेक्ट स्टॉप लॉस का प्लेस होगा। अगर इसी फ्लो में निकलती है तो मे भी थोड़ा सा बहुत मूव करे और फिर अचानक से सेलिंग आ जाए। इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकआउट तो किया लेकिन अचानक से सेलिंग आ गया, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको अपसाइड ब्रेक करना चाहिए था तो यहाँ पर पॉज कैंडल बनाने चाहिए थी, या फिर यहाँ पर पॉज कैंडल बनाता और अपर साइड ब्रेक करता तो फिर स्टॉप लॉस का एक हमारे पास स्पेस होता। सेम यहाँ पर सिनेरियो देखेंगे तो ए री एंट्री के लिए तो गया, जहां से ब्रेकआउट हुआ था उस पॉइंट के पास में री एंट्री के लिए गया। अब इसी फ्लो में निकलती है तो सेलर को जो इस पॉइंट जो यहाँ पर इंटर हो गए तो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, लेकिन फ्रेश एंट्री करने वालों के लिए एक प्लेस परफेक्ट नहीं है। इसी फ्लो में निकलती है तो ये इसी फ्लो में एंट्री करना लॉस का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा पॉज कैंडल बनने देना है। एक रेड कैंडल यहाँ पर वीकली बेसिस पर बन जाए तो फिर एक कंटिन्यूएशन में जा सकती है। चांसेस है कि एक रेड कैंडल बनाए तो ही ये ब्रेक करे तो अपर साइड में जा सकता है। अगर इसी फ्लो में निकलती है तो इस तरीके से सेलिंग आ सकती है, जैसे यहाँ पर सेलिंग आया था सेम यहाँ पर भी सेलिंग आने का चांस है। आई होप इस पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। ध्यान दें मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनली एनालिसिस होता है, मैं खुद ट्रेड करती हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी वीकली बेसिस पर भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग में जा चुका है। यहाँ पर बड़ा सेलअप आया, सेलअप आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो हायर हाई फॉर्मेशन बनाते जा रहा है। बॉटम के पास यहाँ पर डब्लू फॉर्मेशन बनाया और ये लगातार अपर साइड में निकलते जा रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो चार दिन से लगातार ग्रीन कैंडले बनाते जा रही है, ये चार दिन में बहुत अच्छा मोमेंटम किया। इसका ब्रेकआउट लेवल देखेंगे तो 19,850 से इसने जो हाई ब्रेक किया 19,250-300 का समथिंग ये मूव कर गया, तो 500 पॉइंट के लगभग चार दिन में मोमेंटम किया है। तो बहुत ही शानदार निफ्टी में मोमेंटम हुआ, स्ट्रांग बाइंग हुई है निफ्टी 50 में। अभी यहाँ पर क्या हमारा एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर जब ये ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम का चांस हो सकती है। तो कल हम लोग निफ्टी 50 में एक्सपेक्टेंस अगर इसी फ्लो में बाइंग में जाती है तो हम लोग को बाइंग इग्नोर करना चाहिए, एक बार यहाँ पर सेलिंग का चांस हमें मिलना चाहिए। तो कल गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, किसी भी पॉइंट पर अगर ओपन होती है तो एक 5 मिनट रेड कैंडल हमें मिलना चाहिए। 5 मिनट का रेड कैंडल बनाती है या फिर 15 मिनट कैंडल, अगर 5 मिनट कैंडल को फॉलो करते हैं तो फिर 5 मिनट कैंडल पे ही ट्रेड लें, अगर 15 मिनट कैंडल को फॉलो करते हैं तो फिर 15 मिनट कैंडल में यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं। गैप अप ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, एक 5 मिनट रेड कैंडल मिलनी चाहिए। रेड कैंडल के लो का ब्रेक डाउन करेगा हम लोग सेल कर सकते हैं। अगर ग्रीन कैंडल बनाती है और हाई को ब्रेक करती है तो फिर हम लोग को ट्रेड इग्नोर करना चाहिए, या फिर जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बाइंग साइड में क्योंकि लगातार अपर साइड में निकलते जाता तो यहाँ पर थोड़ा क्वान्टिटी कम करके ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मे भी यहाँ पर अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों पॉजिटिव है तो मे भी यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग साइड में एक अच्छा मोमेंटम मिल जाए तो क्वान्टिटी कम रहेगा। तो अगर हमारे अगेंस्ट भी जाती है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा, नहीं तो हमारे फेवर में जाता है तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स कैप्चर भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली यहाँ पर व्यू है कि कल बाइंग में जाएगी तो मैं यहाँ पर बाइंग नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि बाइंग में बहुत अच्छा मूव कर चुका है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। बायर्स को प्रॉफिट बुकिंग करने देंगे, इसके बाद थोड़ा सा डिप लगाने के बाद 20,150 के पास से समथिंग से अगर बाइंग का सेंटिमेंट मिलती है तो मैं बाइंग करना पसंद करूंगी, मैं यहाँ पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहूंगी। आई होप सारे पॉइंट आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे, यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड डेली एनालिसिस एंड लर्निंग वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। अगर बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपन होती है तो प्राइस पैटर्न के लिए वेट करें, इसके बाद ही ट्रेड के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।